नमस्कार दोस्तों, सलासर ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप मिस्त्री जीन था पुराना हसी रोड पर तो फार्म ट्रक एजेंसी के तौर पर भाई टर्बो वाला इस ट्रैक्टर में टर्बो लगाई है अपन ने। ये सोनालिका 750 2017 का मॉडल है भाई, और यह टर्बो लाई गई है इस ट्रैक्टर में। सिलेंसर भी जोड़े है, जो सिस्टम है जो इसका मैं कंप्लीट शो रखी जाऊँ या कस्टमर भाई रखना चाहो तो सिर्फ इस हॉस पाइप का चक्कर पड़ा है, क्योंकि एयर क्लीनर बाहर लगा रखा है इन्होंने। इसको पल्ला नहीं आएगा, साइड वाला पल्ला होगा वो नहीं रखा जाएगा, इसको यू उड़ेगा। तो जिस टाइम भी कभी भी शो रखना चाहूंगे तो अपना एयर फिल्टर या एयर क्लीनर जो भी अंदर लगाऊंगे तो इस हॉस पाइप में बदलाव करना पड़ेगा बस। और तो उठिए ना, सीधा अंदर चला जाएगा बस, यही इसमें और कुछ भी नहीं है, और कोई चीज टच नहीं करेगी इसमें। शो रखेगा उस टाइम कोई भी चीज टच नहीं करेगी। और ये फिलहाल नॉन टर्बो ट्रैक्टर है, यू हॉस पाइप हटा रखा है टर्बो का, देखो ये साइड में कर रखा है। ये इसकी ट्राई मार के दिखाऊंगे आप भैया ना, आई का दूसरे गियर में एंड ब्रेक है इसकी ना, आई का दूसरे गियर में ट्राई मार के दिखाऊंगे न्यूट्रल। ये हैंड ब्रेक है भाई इसकी, एक हैंड ब्रेक तो खाच से दे। ये ट्रैक्टर ना आप चलावाएंगे 1600 या 1700 पे तो ट्रैक्टर तोड़ना चाहिए आरपीएम, 7-8 पॉइंट तोड़ना चाहिए, 7-8 पॉइंट तोड़ेगा जिदे वेरा पटेगा अपने टर्बो घटी है या बदी है, नॉन टर्बो ट्रैक्टर है। फिर बाद में उसे उन्हें हैंड ब्रेक का उसे गियर में उतनी है रेस पावर, टर्बो का हॉर्स पाइप लगा के ना चेक करावाएंगे ट्रैक्टर ने के कुछ पावर घटाई है या बढ़ाई है, कितने आरपीएम घटे बढ़े हैं भाई ने देखा जा। आई का दूसरा और यू आई लगा दिया इसका, हैंड ब्रेक इसके खैच रखे हैं। जब ट्रैक्टर घना दबागा तो हैंड ब्रेक ढीली करनी पड़ेगी, और जब थोड़ा दबागा दबागा तो हैंड ब्रेक खाचनी पड़ेंगी इसकी। 1600 या 1700 कर दिया, 1700 भाई। भाई साहब ट्रैक्टर 8.5-9 पर चल रहा था, यू आई का गियर हटाए हूँ, जो दूसरा गियर हटाए हूँ, दूसरा गियर पता न्यूट्रल कर दिया, हाई लो वाला भी न्यूट्रल कर दिया, हैंड ब्रेक है ट्रैक्टर की जो ओड़े हैं। ये बाप ने इसका टर्बो का हॉर्स पाइप लगाई है ना, दिखाऊं मैं लो ये करके फोन पकड़ देंगे। ये नॉन टर्बो था, ये भी इसमें टर्बो का हॉर्स पाइप लगा दिया। टर्बो का हॉर्स पाइप लगा दिया भैया, और वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया टर्बो ने। स्टार्ट करते ही साइलेंसर भी उड़े, इसका टर्बो लगने के बाद वहीं पर निकाल दिया, हैंड ब्रेक उड़े भाई साहब इसकी, जड़ थी सिर्फ आई और दूसरा वो 1700 RPM करांगे। ट्रैक्टर 8.5-9 पर रहा था बगैर टर्बो, ट्रैक्टर 1600 पर चला गया। वो आई का दूसरा गियर, वही हैंड ब्रेक, यो आई का भाई इस न्यूट्रल करके दिखावा करके, यो न्यूट्रल हो गया और ये दूसरा गियर भी न्यूट्रल हो गया। तो आप भैया ने मैं एक बात बता दूं, टर्बो लगवाने का उस टाइम फायदा है जिस तरह अपने पे एप्लीमेंट तो बढ़े और ट्रैक्टर दब के ना चला है तब लगवाने का फायदा है। उस टाइम ट्रैक्टर
तेल भी थोड़ा लेगा और जान भी बढ़िया लगा होगा। और अपना ट्रैक्टर चला ही खुल के ना है, एप्लीमेंट छोटे हैं अपना, वह रिपर का है या गोड़ी का है या सुपर सीडर का है या मायने के ना चलो आप रोटावेटर का काम नहीं है, एरो का या कल्टीवेटर का ये छोटा काम है, और ट्रैक्टर खुल के ना चला है, एप्लीमेंट छोटे हैं अपने, वह तो टर्बो लगवाने का मेरे भाई कोई फायदा नहीं। टर्बो लगवाने का इस तरह फायदा इस तरह अपना एप्लीमेंट तो है बड़े और ट्रैक्टर अपना दबके ना चला है, मान के ना चलो आप आरपीएम ड्रॉप करा है या मोड पे या किसी तरह जो भी है, तो आप टर्बो लगवा लेंगे तो ट्रैक्टर खुल के ना चलेगा, खुल के ना चलेगा तो ट्रैक्टर कम तेल लेगा मेरे भाई, सीधी बात यह है। और आप भाई ये ना बताऊं, वैसे परेशान मत करया करो क्योंकि काम धंधा भाई मारे दौर भी मेरे काम लागे रहा हूँ। हाँ कुछ भाई हैं जो नजायज तंग करे हैं, गलत है यार, स्त्रियाँ फोन ना करया करो, मिस्त्री जी टर्बो लगवानी थी, कितना पैसा है, किस तरह के खर्चा होगा, क्या नंबर लगेगी, ऐसे वैसे मेरे भाई कोई काम की बात है तो दोस्तों फोन करया करो, स्त्रियाँ तंग ना करया करो क्योंकि काम धंधा है यार, हमें भी तंग हुआ फिर खाऊ भाई परेशान हुआ है। तो टर्बो लगवाने का फायदा दबके ना चला तो है मेरे, दबके ना चला तो टर्बो लगवाने का फायदा है, और अगर खुल के ना चला तो मेरे भाई टर्बो लगवाने का कोई फायदा नहीं है, अपना जितना चल रहा है वैसे चलने दो उसको। हाँ दबके ना चला है टर्बो लगवाओ फिर कम तेल लेगा, और वैसे खुल के चल रहा पहले ही और आप फिर टर्बो लगवाओ हो आधा पौना गियर प्लस पकड़ जाएगा मेरे भाई, ट्रैक्टर सिर्फ यही फायदा है, जिस तरह आप पहले में बाई करो हो तो दूसरे गियर में बाने लग जाएगा थोड़ा बहुत एप्लीमेंट करके कम करके ना, सिर्फ वो टाइम का हिसाब से तेल की बचत है उसका। और वैसे जिस तरह एक तो आपका किला 25 मिनट में निकाला है और टर्बो लगने के बाद खुल के चला बड़ा गियर लगा दिया आपने तो वही 15-20 या जो भी है टाइम काट लो, इस तरह इतना फर्क पड़ सका मेरे भाई। और आप किसान भाई है ना, वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना दोस्तों, आने वाले वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपके लिए कोई और ट्रैक्टर की। थैंक यू दोस्तों।